दोस्तों, मेरे चैनल से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब ऑप्शन पर क्लिक कीजिए, और आप चाहते हैं मेरी वीडियो अपलोड होते ही आपके पास मैसेज आ जाए तो बेल आइकॉन को भी ऑन कर दीजिए। नमस्कार दोस्तों, मैं अमित कुदवाल आप लोगों का स्वागत करता हूं मेरे चैनल में, और आज मैं आपको कुंडली टॉपिक में एक बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देने जा रहा हूं कि अब हम कैसे समझें कि कौन सा ग्रह किस राशि में उच्च का है और नीच का है। देखिए, ये शब्द आपने काफी बार सुने होंगे, उच्च का ग्रह, नीच का ग्रह, या उच्च की दृष्टि, नीच की दृष्टि, लेकिन आखिर ये होता क्या है और किस तरह से हम पता कर सकते हैं कि इस राशि में यह ग्रह अच्छे परिणाम देगा। कल मैंने मेष लग्न की जो कुंडली थी उसमें ये बताया था कि कौन से ग्रह हमारे लिए पॉजिटिव हैं, हमें अच्छा परिणाम देंगे, और कौन से ग्रह ऐसे हैं जो नेगेटिव हैं, जो बुरा परिणाम देंगे, यानी योग कारक ग्रह और मारक ग्रह। मारक ग्रह का मतलब हुआ बुरे परिणाम देने वाले, और योग कारक ग्रह का मतलब हुआ अच्छे परिणाम देने वाले। और जो जो टॉपिक अभी तक कुंडली टॉपिक में हमने कवर करे हैं वो मैंने यहाँ मेंशन कर दिए हैं। यहाँ हम लग्न कुंडली की बात कर रहे हैं, ये ग्रहों की लिस्ट मैंने बनाई है जिसमें उनके जो ग्रहों के मालिक हैं उनका नाम यहाँ मेंशन किया है, डिग्री मेंशन की है कि कितने डिग्री के ग्रह कितना प्रतिशत रिजल्ट देंगे, कैसे देखना है ये भी मैं बता चुका हूं आपको। इसके बाद कौन से ग्रह शत्रु हैं एक दूसरे के, कौन से ग्रह एक दूसरे के मित्र हैं, यह भी मैं आपको यहां पर क्लियर कर चुका हूं। और यहां चार्ट में मैंने हर चीज वापस मेंशन कर दी है। जैसे बुध देव की मित्रता जो है वो शुक्र शनि राहु केतु चारों से है, इनकी आपस में मित्रता है, यानी शुक्र शनि राहु केतु आपस में अति मित्र है, मंगल चंद्र बृहस्पति सूर्य आपस में अति मित्र है। बुध की शत्रुता मंगल और चंद्र से है, लेकिन बृहस्पति और सूर्य देव से इनकी मित्रता है। और इन देव ग्रहों की और दानव ग्रहों की, यहां मैंने मेंशन किया देव ग्रह और दानव ग्रह, इनकी आपस में शत्रुता है। लेकिन कभी कभी देव ग्रह भी कभी कभी ऐसी राशियों में बैठते हैं जो दानव ग्रहों की राशियां होती है, लेकिन उसमें अच्छे परिणाम देते हैं। और कभी कभी दानव ग्रह भी ऐसी राशियों में बैठते हैं जो देव ग्रहों की राशियां होती है, लेकिन उसमें वो अच्छे परिणाम देने के लिए बाध्य होते हैं। तो क्या कारण होता है, क्या लॉजिक होता है, वो मैं आज क्लियर करने जा रहा हूं, जिसे हम कहते हैं कुंडली के अंदर जिसे नाम दिया गया है कि उच्च के ग्रह और नीच के ग्रह, यानी इस राशि में वो उच्च के होंगे और इस राशि में वो नीच के होंगे। तो कैसे ये पता करते हैं, कैसे हम इसकी जानकारी ले सकते हैं, वो मैं आपको क्लियर कर देता हूं। देखिए दोस्तों, यहां पर मैं आपको सीरीज वाइज ये समझा देता हूं। ये फर्स्ट हाउस पहला घर, ये सेकेंड हाउस दूसरा घर, ये थर्ड हाउस तीसरा घर, ये फोर्थ हाउस, यह फिफ्थ, यह सिक्स्थ हाउस, यह सेवन्थ हाउस, यह एट्थ हाउस, नाइन्थ हाउस, टेंथ हाउस, इलेवन्थ हाउस और ट्वेल्थ हाउस। देखिए, ये जो हाउसेस हैं वो मैंने यहाँ मेंशन कर दिए हैं, और आप इस चीज को भी समझ लीजिए, 12 घर हैं और 12 ही राशियां हैं। घर अपनी जगह चेंज नहीं करते, लेकिन अभी जो मैंने ये मेंशन किया है उसको आप राशि समझिए, यानी पहली राशि ये मेष राशि, क्योंकि फर्स्ट नंबर की जो राशि है वो मेष राशि है। यह है वृष राशि, यानी यहां पर वृष राशि। उसके बाद मिथुन राशि तीसरे घर में, कर्क राशि चौथे घर में, सिंह राशि पांचवे घर में, और कन्या राशि सिक्स छठे घर में, कन्या राशि और सिक्स नंबर ही यहां मैंने मेंशन किया है। तो राशियों की जो सीरीज है उसके अकॉर्डिंग मैंने यहां राशियां मेंशन कर दी है। अब ग्रहों के मैं नाम लिख रहा हूं, उस चीज को आप थोड़ा सा समझ लीजिए। यहां पर सूर्य देव, यह सूर्य देव है। अब देखिए, सूर्य देव सदैव पहली नंबर की जो राशि है, पहली नंबर की जो राशि कौन सी है, मेष, उसमें उच्च के होते हैं। यानी सदैव सूर्य देव अगर मेष राशि में बैठेंगे तो अच्छे परिणाम देंगे, कभी भी नेगेटिव रिजल्ट नहीं देंगे, 100% अच्छे परिणाम देंगे। देन उसके बाद सेकंड नंबर की जो राशि है, दूसरे नंबर की जो राशि है जो है वृष, उसमें मैं यहां लिखने जा रहा हूं चंद्र देव। यानी कहीं भी अगर आपको सेकंड नंबर की राशि वृष राशि में चंद्र देव बैठे हुए दिखें तो 100% वो अच्छे परिणाम देंगे, यानी उच्च के ग्रह। और उससे पहले उनकी डिग्री भी देखिए, मान लीजिए चंद्र जो देव है वो उच्च के हैं, अच्छे परिणाम देने के लिए बाध्य है, लेकिन डिग्री जीरो है तो परिणाम नहीं मिलने वाले, क्योंकि उनके अंदर पावर नहीं है। पावर कैसे इंक्रीज की जाती है वो भी मैं क्लियर कर दूंगा। लेकिन यहां पर सेकेंड और थर्ड हाउस, इसमें एक ग्रह और है जो दो राशियों में उच्च का होता है, वो है राहु देव। ये राहु देव,
राहु देव सदैव सेकंड नंबर की राशि और थर्ड नंबर की राशि में उच्च के परिणाम देंगे, यानी पॉजिटिव रिजल्ट देंगे। अगर कहीं भी वृष राशि और मिथुन राशि में राहु देव बैठे हैं तो आप आंख बंद करके ये चीज समझ लीजिए कि वो अच्छे ही परिणाम देंगे, सकारात्मक परिणाम ही देंगे। और राहु देव की एक और खास बात है, तीसरे नंबर के घर में कोई भी राशि हो वह अच्छे परिणाम देते हैं। उसके बाद चौथे नंबर का जो घर है, चौथे नंबर के ग्रह घर के अंदर आएंगे बृहस्पति देव, यानी चौथे नंबर की राशि में। तो चौथा नंबर का ही वैसे ये घर है और चौथे नंबर की ये राशि है। चौथे नंबर की राशि हुई यहाँ पर कर्क। कर्क राशि में अगर बृहस्पति देव बैठे हैं तो वह सदैव अच्छे परिणाम देंगे, पॉजिटिव परिणाम देंगे, यानी वो उच्च के हैं, यानी कि जो नॉर्मल रिजल्ट देने हैं उससे कहीं गुना अच्छे रिजल्ट देंगे वो। उच्च का मतलब हुआ ज्यादा प्रतिशत में अच्छे परिणाम देना। पांचवा नंबर का जो घर है वो खाली रहेगा। छठे नंबर का जो घर है उसमें आएंगे बुध देव। बुध देव ही एक ऐसे ग्रह हैं जो स्वयं खुद की राशि के अंदर ही उच्च के होते हैं स्वयं, क्योंकि ये जो कन्या राशि है, छठे नंबर की जो राशि है वह बुध देव की खुद की राशि है, उसमें वो सदैव उच्च के होते हैं, अच्छे परिणाम देते हैं। देन उसके बाद सात नंबर जो है, सेवन नंबर है शनिदेव। शनिदेव सात नंबर जो राशि है तुला, देखिए सात नंबर राशि है तुला, तुला राशि में सदैव 100% ये अच्छे परिणाम देंगे, कई गुना अच्छे परिणाम देंगे। अब क्योंकि आठवां और नौवां घर, इसमें दोनों में केतु देव आएंगे, क्यों आएंगे ये भी मैं आपको क्लियर कर देता हूं अभी। केतु देव आठवें नंबर की राशि में और केतु देव ही नौवें नंबर की राशि में अच्छे परिणाम देंगे, उच्च के ग्रह कहलाएंगे, अच्छे परिणाम देने के लिए बाध्य होंगे। क्यों? क्योंकि राहु देव की सामने वाली राशियां हैं और राहु केतु सदैव 180 डिग्री यानी अपने आमने सामने ही रहते हैं, ये 100% फिक्स है, कभी ये चेंज नहीं होता है। तो ये भी आप इस चीज को समझ लीजिए, राहु देव क्योंकि सेकंड और थर्ड राशि में, तो यहां पर आठवीं और नौवें नंबर की जो राशि है उसमें केतु देव रहेंगे और वह उच्च के परिणाम देंगे, अच्छे परिणाम देंगे। देन उसके बाद जो दसवां घर है उसमें, दसवां घर और दसवीं राशि उसमें मंगल देव। अब देखिए मंगल देव दसवीं राशि है मकर शनि। अब मैंने आपको ये चीज समझाई थी कि यह जो ग्रुप है और यह जो ग्रुप है आपस में शत्रु है, यानी दानवों का जो ग्रुप है और देवताओं का जो ग्रुप है आपस में शत्रु है, लेकिन यहाँ पर दसवें नंबर की जो राशि है वो है मकर, लेकिन उसमें जो हमारे मंगल देव है वो उच्च के हैं, यानी कि अच्छे परिणाम देंगे, पॉजिटिव रिजल्ट देंगे। देन उसके बाद ग्यारहवां नंबर, क्योंकि फिफ्थ हाउस ब्लैंक है तो ग्यारहवां ब्लैंक रहेगा, क्योंकि ये सातवां घर कहलाता है। कैसे कहलाता है, देखिए यहां से पहला जो घर होता है वहीं से गिनना स्टार्ट करते हैं, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवां छठा सातवां। हर ग्रह की सातवीं दृष्टि जरूर होती है, सातवीं दृष्टि होती ही होती है कोई सा भी ग्रह हो, और सातवीं दृष्टि कैसे देखते हैं वो मैं क्लियर कर रहा हूं आपको। पहले जैसे यहां पर कोई ग्रह बैठा है तो उसकी सातवीं दृष्टि कैसे देखेंगे, पहला यहीं से गिनना स्टार्ट करेंगे, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवां छठा सातवां, ये सातवीं दृष्टि हो गई, सातवीं दृष्टि का घर हो गया। अब यहाँ सूर्यदेव जैसे हैं तो उनकी सातवीं दृष्टि आएगी यहां पर, क्यों? देखिए पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवां छठा सातवां, सातवीं दृष्टि कहाँ पड़ी, बिल्कुल उनके सामने। यहाँ की सातवीं दृष्टि कहाँ पड़ेगी, यहाँ सामने। इसकी सातवीं दृष्टि यानी बारहवें घर की सातवीं दृष्टि कहाँ पड़ेगी, आपको आगे गिनते हुए चलना है, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवां छठा सातवां, यानी कि इस घर के अंदर छठे घर में सातवीं दृष्टि पड़ेगी। दृष्टि इस तरह से चेक करते हैं। देन उसके बाद ये घर ब्लैंक रहेगा और बारहवें घर में बैठे हैं, बारहवीं राशि में बैठे हैं शुक्रदेव। अब देखिए शुक्रदेव जो है वो दानवों के गुरु हैं, बैठे हैं बारहवीं राशि, यानी कि बारहवीं राशि किसकी है, मीन बृहस्पति देव की, लेकिन अति शत्रु होने के बावजूद भी वो बाध्य हैं। अगर कहीं भी मीन राशि के अंदर बृहस्पति की राशि में शुक्रदेव बैठे हैं तो वह सदैव अच्छे परिणाम देंगे, वह बाध्य है अच्छे परिणाम देने के लिए। अब इस चार्ट के अकॉर्डिंग आप बिल्कुल समझ लीजिए, ये मैंने इसलिए मेंशन किया है क्योंकि कहीं जगह लिस्ट होती है कि ये उच्च में है ये नीच में, लेकिन इस चार्ट को आप दो चार बार रीड कर लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि भाई आपने चार्ट फिक्स कर लिया, सीरीज आपको पता ही है 1 2 3 4। अब आपके दिमाग में फिट हो जाएगा यहाँ पर कि सूर्यदेव पहले घर में मेंशन थे, दूसरे घर में चंद्रदेव थे, राहु देव थे, फिर बृहस्पति देव थे, यानी कि माता का स्थान, वाहन का, सुख सुविधाओं का जो स्थान है चौथा, उसमें बृहस्पति देव उच्च के होते हैं, और चौथा नंबर क्योंकि कर्क राशि है तो कर्क राशि के अकॉर्डिंग आपको ये चीज क्लियर हो जाएगी। अब इस पूरी लिस्ट में नीच के ग्रह कौन से हैं वो कैसे पता करें, तो बहुत ज्यादा आसान है, बहुत ज्यादा इजी है इसको समझना कि सूर्य देव नीच के कहाँ होंगे, यानी बुरे परिणाम कहाँ देंगे,
तो इनकी सामने वाली जो सातवीं दृष्टि है, सातवीं दृष्टि जहां पड़ रही है वहां ये नीच के होंगे। अब देखिए सूर्यदेव की सातवीं दृष्टि कौन सी है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, सातवां नंबर, यानी ये सातवें नंबर की राशि कौन सी है, तुला। तुला राशि में सूर्यदेव सदैव नीच के होंगे, यानी बुरे परिणाम देंगे, ज्यादा बुरे परिणाम देंगे, जो नॉर्मल परिणाम होते हैं उससे ज्यादा बुरे परिणाम देंगे। अब किसी भी ग्रह की सातवीं जो दृष्टि है उससे आप उसके नीच ग्रह की यानी नीच राशि का पता कर सकते हैं, और इस तरह से आपको ये चीज पूरी क्लियर हो जाएगी कि कौन सा ग्रह किस राशि में उच्च का है, कौन सा ग्रह किस राशि में नीच का है। अब देखिए यहां इस चीज को समझिए, कारण क्या है वो भी आप समझिए। देखिए यहां पर शुक्रदेव, शुक्रदेव के सामने सातवीं दृष्टि, तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, यानी छठी राशि। छठी राशि कौन सी है, कन्या। कन्या जो है वो बुध देव की राशि है, अति मित्र है, लेकिन बाध्य हो गए यहाँ पर बुरे परिणाम देने के लिए, यानी कि अगर शुक्रदेव कहीं भी कन्या राशि में बैठे हैं तो वह नीच के हो जाएंगे, वह जो परिणाम देंगे वह देंगे सदैव बुरे। इस तरह से इस चार्ट को आप समझ लीजिए। मंगल देव की सातवीं दृष्टि कौन सी हुई, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, सातवीं दृष्टि पड़ी यहां पर कर्क राशि में, तो कर्क राशि के अंदर कभी भी मंगल देव बैठेंगे तो वो बुरे परिणाम देंगे, जबकि ये इनके अति मित्र हैं। तो यहां पर कुछ इस तरह का फॉर्मूला बना कि हमने कुंडली के माध्यम से ये तो पता कर लिया कि कौन से ग्रह ऐसे हैं जो योग कारक हैं, कौन से ग्रह ऐसे हैं जो मारक है, लेकिन कभी कभी इस चार्ट के अकॉर्डिंग ये चीज भी क्लियर होती है कि जिस ग्रह को हम मारक समझ रहे थे, बुरे परिणाम देने वाला समझ रहे थे, वह एक्चुअल में अच्छे परिणाम देगा, क्योंकि इस चार्ट के अकॉर्डिंग वह उच्च का हुआ। तो उच्च का ग्रह कैसे पता करते हैं, नीच का ग्रह कैसे पता करते हैं, वो इस चार्ट से आपको बिल्कुल क्लियर हो चुका है। यानी कि जहां मैंने अभी बताया वहां इन राशियों में सदैव अच्छे परिणाम देंगे, इनके सामने वाली सातवीं दृष्टि वाली जो राशि है उसमें सदैव ये बुरे परिणाम देंगे, वो नीच के कहलाएंगे। अब इस पूरे चार्ट को मैं यहां मेंशन कर देता हूं, और यह जो चीज मेंशन होगी इससे आपको सारी चीज अब क्लियर हो जाएगी। तो मैं यहां मेंशन करने जा रहा हूं, सबसे पहले सूर्यदेव, सूर्यदेव के लिए यहां मैं लिख देता हूं नेगेटिव या नीच या उच्च लिख देता हूं, यहां पर उच्च के परिणाम, ये नीच के परिणाम, ठीक है। सूर्यदेव, सूर्यदेव के लिए पहली यानी कि मेष, यहां पर लिखना है आपको मेष। देन उसके बाद मैं सेकंड नंबर ले रहा हूं यहां पर चंद्रदेव, चंद्रदेव सेकंड नंबर राशि यानी वृष, वृष में उच्च के हो गए, यहां मैं वृष लिख देता हूं। तीसरा यहां पर लिखना है हमें राहु देवी, मेंशन कर देता हूं मैं, तो राहु देव जो है वो उच्च के हुए यहां पर वृष राशि में, और साथ साथ में तीसरे नंबर की राशि यानी मिथुन, मिथुन में भी वो उच्च के हो गए, यानी दो राशियों में उच्च के हुए, वृष में उच्च के हो गए और साथ साथ में मिथुन में उच्च के हो गए। देन उसके बाद यहां पर मैं मेंशन कर रहा हूं बृहस्पति देव, अब बृहस्पति देव उच्च के किसमें, कर्क राशि में, चौथा नंबर लिखा है कर्क। देन उसके बाद यहां पर बुध देव, बुध देव उच्च के कहलाएंगे यहां पर सिक्स नंबर, यानी स्वयं राशि कन्या, कन्या राशि में उच्च के कहलाएंगे। देन उसके बाद यहां पर मेंशन है शनिदेव, शनिदेव उच्च के कहलाएंगे सातवें नंबर की राशि यानी तुला, तुला राशि में सदैव उच्च के कहलाएंगे। केतुदेव, केतुदेव दो राशियों में उच्च के कहलाएंगे, आठवें और नौवें नंबर की आठवीं राशि हो गई यहां पर वृश्चिक, और नाइन्थ नंबर की जो राशि हो गई यहां पर वृश्चिक के बाद धनु, धनु और वृश्चिक में सदैव अच्छे परिणाम देंगे। देन उसके बाद मंगल देव की बात करूं मैं, तो मंगल देव उच्च के कहलाएंगे दसवें नंबर की राशि यानी कि यहां पर मकर, जो शनिदेव की राशि है, और शुक्रदेव, शुक्रदेव उच्च के कहलाएंगे 12वें नंबर की राशि जो कि है बृहस्पति देव की मीन। ये लिस्ट हमारे सामने आ चुकी है बिल्कुल कि कौन से ग्रह सदैव इन राशियों में अच्छे परिणाम देने के लिए बाध्य हो गए, यानी कि उनको अच्छे परिणाम देने ही देने। अब नीच की बात करें तो इनकी सातवीं दृष्टि देख लीजिए, सूर्य की सातवीं दृष्टि पड़ रही है यहाँ पर सेवन नंबर हाउस के अंदर, और सेवन नंबर का जो हाउस है, देखिए सातवीं दृष्टि कैसे पड़ी है, वन, यहीं से गिनना स्टार्ट करना है, 1 2 3 4 5 6 7, और यह मैं आपको क्लियर कर दूं सभी ग्रहों की सातवीं दृष्टि होती होती है, कुछ ग्रहों की दो दृष्टियां और एक्स्ट्रा होती है, यानी टोटल तीन दृष्टियां होती है, वो कौन सी होती है वो भी मैं आपको क्लियर करूंगा अभी। अब हम बात करने वाले नीच के ग्रहों की,
तो सूर्य की दृष्टि पड़ रही है सातवीं सेवन नंबर में, और सेवन नंबर जो राशि यहां पर वो है तुला। तो तुला राशि में ये सदैव नीच के रहेंगे। चंद्रदेव, चंद्रदेव की सातवीं दृष्टि कहां पड़ी, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 आठवीं नंबर की जो राशि है, आठवीं नंबर की राशि है वृश्चिक। तो यहां पर चंद्रदेव वृश्चिक राशि के अंदर बुरे परिणाम देंगे, जबकि यह इनके अति मित्र हैं। देखिए आप, देन उसके बाद यहां पर बात करें हम बृहस्पति देव की, राहुदेव, राहुदेव की बात करें तो राहुदेव की यहां पर दृष्टि पड़ रही है आठवीं और नौवीं राशि के अंदर। तो आठवीं और नौवीं जो राशि है वो यहां पर है वृश्चिक और धनु। तो वृश्चिक और धनु इसमें सदैव राहुदेव नीच के कहलाएंगे, यानी बुरे परिणाम देंगे। बृहस्पति देव की यहां बात करूं मैं, तो बृहस्पति देव की सातवीं दृष्टि कौन सी है, 1 2 3 4 5 6 7, यानी इनके बिल्कुल सामने, यानी दसवें नंबर की राशि, दसवें नंबर की यहां राशि है मकर। तो मकर राशि में ये सदैव आपको नीच के यानी कि बुरे परिणाम देंगे। इसके बाद बुध देव की बात करूं मैं यहां पर, तो बुध देव जो है, बुध देव की जो दृष्टि पड़ रही है यहाँ सातवीं, 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि यहां पर इस घर के अंदर, यानी कि 12वें नंबर की राशि, 12वें नंबर की जो राशि है वह कहलाएगी यहां पर मीन। बृहस्पति देव की राशि मीन में बुध देव सदैव नीच के कहलाएंगे। देन उसके बाद शनिदेव, शनिदेव अगर यहां बैठे तो इनकी डायरेक्ट दृष्टि है पहले हाउस में, फर्स्ट हाउस में। फर्स्ट हाउस किसका है, यहां पर मेष। तो मेष राशि में सदैव शनिदेव नीच के कहलाएंगे, बुरे परिणाम देंगे। केतु की बात करूं मैं, तो अब केतु की यहां पर सातवीं दृष्टि डायरेक्ट यहां राहु जहां बैठा वहां पर पड़ रही है। तो यहां पर केतु की दृष्टि पड़ रही है यहां पर वृष और मिथुन। तो वृष, वृश्चिक और मिथुन में सदैव केतु देव बुरे परिणाम देंगे, नेगेटिव रिजल्ट देंगे। मंगल देव की बात करूं तो मंगल देव की सातवीं दृष्टि पड़ी बिल्कुल सामने, यानी चौथे नंबर की राशि जो कि है कर्क। तो कर्क राशि में मंगल देव सदैव बुरे परिणाम देंगे, नेगेटिव रिजल्ट देंगे। शुक्रदेव की सातवीं दृष्टि पड़ी यहां पर सिक्स हाउस के अंदर, 1 2 3 4 5 6 7, सिक्स हाउस में सिक्स जो नंबर की राशि है कन्या, कन्या राशि के अंदर, कन्या राशि में सदैव शुक्रदेव बुरे परिणाम देंगे। तो आप इस चीज को समझिए, मित्र ग्रहों को हमने समझ लिया, शत्रु ग्रहों को हमने समझ लिया, कौन कौन सी राशियां हैं उनके स्वामियों को समझ लिया, डिग्री को समझ लिया, ऊंच और नीच यानी कि बुरे और अच्छे परिणाम देने के लिए बाध्य जहां हो जाते हैं घर ग्रह, उनको हमने समझ लिया। इस आधार पर अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इतना इजी तरीके से समझा दूंगा किसी भी कुंडली को पढ़ना, कि अगर यह चार्ट आपके सामने है तो आप उस कुंडली में देखकर यह भी बता सकते हैं कि कौन सा रत्न पहना जाए, इस महादशा में कौन से परिणाम मिलेंगे। अगर दो ग्रह एक साथ बैठे हैं, युति बनाकर बैठे हैं, तो कौन से ग्रह की शांति करनी है, कौन से ग्रह का रत्न पहनना है, वो भी आपको क्लियर हो जाएगा। और साथ साथ में आपको एक चीज और क्लियर हो जाएगी जो काफी पूछी जा रही है मुझसे, कि कोई घर अगर खाली है तो उसका क्या होगा। खाली घर कभी नहीं होता है, कोई ना कोई राशि जरूर होती है, क्योंकि 12 राशियां 12 घरों में बैठी होती है। कोई राशि जो है यहां से स्टार्ट होती है, दो नंबर है तो 2 3 4 पांचवें नंबर की राशि, यानी लग्न पांचवें नंबर की राशि से स्टार्ट है। तो हर घर में कोई ना कोई राशि है, उसका स्वामी कहाँ बैठा है वो देखना होता है, और उस राशि को कौन सा घर मिला है, वो भले ही खाली घर हो लेकिन उसका मालिक कहाँ बैठा है उसके अनुसार उस घर के परिणाम डिसाइड किए जाते हैं। तो कुंडली में कोई भी घर खाली नहीं होता है, उसके परिणाम कैसे मिलते हैं वो मैं आपको क्लियर कर दूंगा। लेकिन अभी तक जो मैंने यहाँ क्लियर करा है आपको कि किस तरह से हम समझें कि किस राशि में कौन सा ग्रह अच्छे परिणाम देगा, कौन सा बुरे परिणाम देगा, मित्र कौन है, शत्रु कौन है, अगर ये डिग्री सिस्टम और ये सब आपको समझ में आ गया है तो आप कमेंट कीजिएगा कमेंट बॉक्स में। अगर आप कमेंट करते हैं तो मुझे ये चीज क्लियर होगी कि आपको हर चीज समझ में आ रही है और आपको हर कंसेप्ट क्लियर हो रहा है। अगर आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो रहा है तो हम कंटिन्यू रखेंगे इस टॉपिक को और मैं आपको क्लियरली समझा दूंगा। लेकिन मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, अगर मैंने जो ये तीन वीडियो बनाई है, अगर इन तीन वीडियो को आपने सिस्टमेटिक तरीके से समझ लिया, एक दो बार तीन बार चार बार देखकर समझ लिया और यह चार्ट अपने रजिस्टर में बना लिया, तो अब जो नेक्स्ट वीडियो मैं बनाऊंगा उस वीडियो में आप किसी भी कुंडली को अपने सामने रख लीजिए, किसी भी कुंडली को आप अपने सामने रख लीजिएगा, आपको 100% उस कुंडली के रिजल्ट निकालना आ जाएगा।
तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रही है तो लाइक कीजिए, क्योंकि आपका किया गया लाइक इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाता है। और अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी है रियल में तो कमेंट कीजिए अच्छी लगी है नहीं लगी है। और साथ साथ में अगर आप नए व्यूअर हैं, पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। और आपको मैं ये गारंटी दे रहा हूं, आप अपनी कुंडली देखना सीख गए, लोगों की कुंडली देखना सीख गए, तो आपके जीवन में जो होने वाले परिवर्तन हैं उनका आपको पहले ही पता चल जाएगा। और साथ साथ में उसमें आपको क्या क्या चेंजेस लाने अपने लाइफ के अंदर, जिसके माध्यम से अगर कोई बुरी परिस्थिति आने भी वाली है तो उससे आप बच सकते हैं, उसको आप सेव कर सकते हैं। इनकी ग्रहों की डिग्री को भी आप बढ़ा सकते हैं, इनकी डिग्री अगर कम है या ज्यादा है तो इसको भी आप इंक्रीज कर सकते हैं। सारे प्रोसेस हैं, सारे तरीके हैं, और साइंटिफिक है हर चीज, वैज्ञानिक है, ज्योतिष विज्ञान है। अगर आप इसके साइंस, इसके कंसेप्ट को समझ गए और आपने कुंडलियों को रीड करना स्टार्ट करा, और जो चीज मैं आपको बता रहा हूं अगर आप लॉजिकली हर चीज को अप्लाई करेंगे किसी भी कुंडली पर, और आप समझने की कोशिश करेंगे, एनालाइज करेंगे, उस समय को देखेंगे जिस समय किसी नीच किसी ग्रह की अच्छी स्थिति नहीं थी, किसी की बुरी स्थिति थी, और उसमें हमारे जीवन काल में कैसा हमारे ऊपर असर हुआ, ये सारी चीजें जब आप स्टडी करेंगे तो आपको इस चीज समझ में आ जाएगी कि जो चीजें मैं बोल रहा हूँ 101% बिल्कुल फैक्ट है। कुंडली हमारे जीवन पर असर करती है, ग्रहों का हमारे जीवन पर प्रभाव पड़ता है। लेकिन इसके साथ एक लाइन और लागू होती है, वो बहुत इंपॉर्टेंट ये है। मान लीजिए कि किसी व्यक्ति के जॉब के चांसेस चांसेस बन रहे हैं, यानी कि सरकारी नौकरी के चांसेस बन रहे हैं, यानी योग बन रहे हैं, तो उसमें कर्म की भूमिका भी रहती है। कुंडली यह जरूर बता सकती है कि आपकी जॉब लग जाएगी, सरकारी नौकरी लग जाएगी, लेकिन कर्म उसके साथ जोड़ने ही जोड़ने हैं। आप सोचें कि आप बैठे रहें, कुछ भी कर्म ना करें और कुंडली में ग्रह चेंज होंगे, उसके अनुसार रिजल्ट मिलने स्टार्ट हो जाएंगे, तो ऐसा नहीं होगा। कुंडली में जब ग्रहों की स्थिति चेंज होती है तो हमें उसके अकॉर्डिंग पावर मिलती है, उसके अकॉर्डिंग सिचुएशन हमारे आसपास क्रिएट होती है, उसके अकॉर्डिंग हमारे पास ऑफर्स आते हैं, लेकिन उसके लिए हमें प्रयास करना होता है, उसके लिए हमें एफर्ट्स लगाने होते हैं। कुंडली सिर्फ हमें यह बताती है कि इस दिशा में आपको यह रिजल्ट मिल जाएगा, इस जगह आप अगर गड्ढा खोदेंगे तो आपके पानी निकलेगा ही निकलेगा, लेकिन आपको वहां पर गड्ढा खोदना ही पड़ेगा। आपको पानी पीना है तो कुआं आपको खोदना ही पड़ेगा, इस चीज को आप समझ लीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बेस्ट ऑफ लक।